अनार, अकबर क्या? ये मुगल साम्राज्य भी हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता। जहां पना यहाँ पर कोई भी अकबर आजम की मिल्कियत नहीं। मेरा दिल को हिंदुस्तान नहीं, जिस पर आप अपनी हुकूमत चला सकते हो, तो हिंदुस्तान पाक के शहंशाह, एक बात आप समझ लीजिए कि मैं ब्रह्मानंद हूँ। सॉरी दोस्त, आई एम वेरी सॉरी। मेरी अनारकली फिर से मेरे सपनों में आई। ऐसा कौन सा दिन है जो तुम सपने नहीं देखते और तुम मुझे रोज नहीं मारते हो? तुम समझते हो पिछले जन्म में अकबर के बेटा सलीम थे और ये अनारकली थी। उस जन्म में लव फेल हुआ तो ये यहाँ पैदा हुआ, और ये अनारकली इसकी प्रेमिका कहीं और पैदा हुई होगी। मेरी जिंदगी के वाट लगा दी उस प्रेम कहानी ने। ये तस्वीर मेरे दिल से निकली हुई तस्वीर है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाई है, मेरे लिए कहीं ना कहीं फिर से पैदा हुई होगी। मेरी याद आते ही ये
मुझे ढूंढते ही यहाँ तक आएगी। हे मेरे भगवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इस जन्म में तुमने मुझे बंसी का रूप दिया है और मेरी अनारकली ने भी कहीं जन्म लिया होगा। मुझे बस उसका नाम बता दो प्रभु, ताकि मैं उससे मिल सकूं। भगवंत, अनार, 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 अनार। अरे ये क्या कर रहा है? इमरान हाशमी की तरह मेरी पोती को बाहों में भर के फटाफट केस कर रहा है, तू छोड़ इसको। देखो, फिर से मिल गया अनार। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता अनार, अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी पोती, उस जन्म में तुम मुझसे सपनों में जिस तरह से आकर मिलती थी, इस जन्म में भी तुम उसी तरह से मिली हो मेरी प्यारी अनार। अनार नहीं है, अरे तू पागल हो गया क्या? ये तो मेरी पोती त्रिशा है। क्या कर रहा है तू? ओहो, इस जन्म में तुम्हारा नाम त्रिशा है, मेरा नाम बंसी है। अनार, अरे कोई बचाओ मेरी पोती को, इस पागल से बचाओ। अनारकली सलीम की बातें कर रहा है, लगता है आदमी पागल हो गया है। चलो बचाते हैं लड़की। अरे दुपट्टा लेने जाएगी, तुझे फिर से बाहों में भर लेगा, तू जल्दी चल। अच्छा, अनार कली दिखी भी और बात भी की। हाँ, बहुत खुशी की बात है। देखते ही वो बोली, मेरे सलीम, मेरे जहां पना, मुझको अपनी बाहों में ले लो। ये देखो मैं कौन हूँ, मुझे पहचान नहीं रही है। लगता है उसे पिछला जन्म याद नहीं है। अच्छा, दो दिन पहले सब्जी में क्या डाला था वो तो याद नहीं रहता, हजारों साल पहले क्या क्या हुआ था याद करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना मेरे मजनू साहब। बताओ, थोड़ा नमक लेकर, थोड़ा मिर्ची लेकर, थोड़ा हल्दी लेकर उसके मुंह में रखकर याद आओ करना होगा, तब जाकर उसको याद आएगा। तू सही है। क्या सही है बंसी, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। सुबह से शाम तक जहाँ देखो तुम्हें वो यहाँ से वहाँ तक वही नजर आती है। एक काम करो, मेंटल हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा लो सरा। गोबर साफ करने वाले, तुझे क्या पता दूसरा जन्म क्या होता है? मेरा और मेरे प्यार को मजाक समझने वाले के लिए ये चैलेंज है। एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरी अनार याद कर लेगी और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, वरना मेरा नाम सलीम उर्फ बंसी नहीं। आई एम फाइन। शॉक हो गई मैं एकदम, मेरी अनार कहकर उसने मुझे बाहों में भर लिया और मुझसे नॉनस्टॉप पपिया लेता रहा वो। पपिया लेने से तूने मना नहीं किया, और क्या किया बता? मैंने उससे कितनी बार कहा कि मैं अनार नहीं हूँ। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, ये स्टैचू की तरह क्यों बैठी है? थोड़ी बहरी है ना, उसका सुनने का स्वाल यही है। आगे बोल। अरे बाहों में इस तरह जकड़ लिया कि पूछो मत। बचाओ करके मैं चिल्लाती रही लेकिन फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल दीवाना लग रहा था। उसके बाद मेरी सपनों की रानी कहकर फिर से किस पे किस देने लग गया वो। अनार, छोड़ो, खींचो उसे। अरे छोड़ो उसे, अरे पागल, छोड़, खींचो। प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। अनार तुम बात क्यों नहीं करती? अनार तुम चुप क्यों हो? अनार तुम कुछ बोलो। अनार, छुड़ाओ, 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 छुड़ाओ। अरे मौके का फायदा उठा रहा है ये कमबख्त। अरे जल्दी भगाओ इसे। अरे हम कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आप कोशिश करके भगाओ ना। अरे हटो तुम लोग, मैं देखती हूँ। जब सूरज डूब जाता है तो दुनिया यकीन करती है कि फिर से सूरज उगेगा। फिर पुनर्जन्म पर विश्वास क्यों नहीं करते तुम लोग? और एक दिन विश्वास करो, वो दिन जल्द ही आएगा, तुम लोग देखते रहना। हाय, मर गई, पूरा बदन तोड़ डाला। इस मेंटल केस को मेरे ही पीछे पड़ना था क्या? ये पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है? मुझे तो लग रहा है सलीम ने फिर से जन्म लिया है। अगर वो कहता है कि वो सलीम है और उसके हिसाब से ये अनारकली है, तो इसकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही है? एक आइडिया है,
उससे ऐसा कहते कि अकबर की पूरी फ्लैशबैक मुझे याद आ गई है। तुम्हारी अनारकली यानी कि त्रिशा तुम्हें पागलों की तरह याद कर रही है और म्यूजियम में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पागल सलीम को ये मैसेज पहुँचाओ। ए, देख के नहीं चल सकता क्या? Look children, ये सारे मुगल साम्राज्य के समय का है। अकबर के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हिंदुस्तान का सम्राट था और उसने एक हिंदू लड़की से विवाह किया। पर बेटे ने जिस लड़की से प्यार किया उसकी समाधि बना दी। ये बात भी बच्चों को बताइए टीचर। अरे किताबों में जो है बच्चों को वही याद नहीं रहता। बेकार की बातें क्यों बताएं? हिस्ट्री किताबों के उन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को कैसे भूल गए? कैरेक्टर्स? कौन हो तुम? अगर मेरी पिछले जन्म में शादी हो गई होती तो मैं अकबर की बहू होती। अकबर की बहू? सलीम की बीवी, हुमायूं की रिश्तेदार, नूरजहान की भी रिश्तेदार, शाहजहान की मौसी और औरंगजेब की नानी हूँ मैं। यस, मैं सलीम की प्रेमिका हूँ, अनारकली। अनार? जहाँपनाह। अनार? जहाँपनाह। तुमने मुझे याद नहीं किया, मैं कितना घबरा गया। सॉरी जहाँपनाह, मैं 7th क्लास की हिस्ट्री भूल गई थी इसलिए आपको याद नहीं कर पाई। अनार, अब्बा जान या कोई भी, अब चाहे जो कोई आ जाए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चिल्ड्रन, दोनों ही पागल दिखते हैं, पागल खाने से भाग कर म्यूजियम में आए हैं। चलो हम लोग चलते हैं। थैंक्स जहाँपनाह। जहाँपनाह, मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी, पूरी करेंगे? ये क्या अनार, तुम चाहे जितनी मांगो पूरी करूंगा। थैंक यू जहाँपनाह। ये औजार आपको याद है? कैसे भूल सकता हूँ मैं, हमारे प्यार की समाधि बनाने वाले उन लोगों के हैं। ये मेरे पिताजी के युद्ध के समय के औजार हैं और ये जो है ये पहनकर इन्होंने युद्ध किया था मुझसे। जहाँपनाह, अगर आपको वाकई में मुझसे प्यार है तो आपके अब्बा जान के ये कपड़े, ये खानदानी निशानी मुझे तोहफे में दे दीजिए। इनकार मत कीजिएगा जहाँपनाह। यहाँ पे रखे हुए सारे वस्त्र, हथियार सब कुछ हमारे हैं। इन पे कब्जा करने का हक सिर्फ हमारा है। जो भी करीब आने की कोशिश करेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हैंड्स अप, ये गैर कानूनी है, गवर्नमेंट के सामान को हाथ मत लगाओ। सरकारी सामान है ये? अरे यहाँ पर रखे हुए ये कपड़े हथियार हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे, वो सरकारी कैसे हो सकते हैं? जाकर बोल दो सरकार को हमारा सामान हम खुद ले सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हम में और हमें पूछने का अधिकार सरकार के किसी आदमी के पास नहीं है। अनार, ये लो अनार। पकड़ लीजिए। अनार, ये क्या कर रही हो? शट अप, एक बार इसने मेरे गले की चेन भी छीन ली थी। बहुत बड़ा चोर है ये, पकड़ लीजिए इसे, पकड़ लीजिए। अनार, अनार। अब वो तेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। बी हैप्पी। क्या बात है, उदास क्यों हो? फिर से सलीम तेरे पीछे पड़ गया क्या? हाँ, सर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद दिलाए कि मैं कौन हूँ, ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारा सलीम हूँ, इस बात का प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है अनार, बस ये मेरा प्यार ही है। आइंदा मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। जब तुम्हारा प्यार ही मेरे पास नहीं है तो जिंदगी बेकार है। प्यार जीने की आस जगाता है तो मरने की हिम्मत भी देता है, याद रखना अनार। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार नहीं तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो हे मेरे प्यार के देवता, मेरी अनार को मैं याद आऊं ऐसा कुछ करना। अरे Thank you.
बंसी, लड़की के लिए दीवार फांदते देखा है, पाइप के ऊपर चढ़ते देखा है, ये शरीर जलाने का नया आइडिया कहाँ से निकाल दिया? मैं समझा नहीं आपको क्या कमी है। र बोले रंबा, सब बोले तो सौंदर्य, क से काजोल, तुम हाँ तो बोलो, तुम्हारे सामने लड़कियों की लाइन खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में तुम एक ऐसी पागल लड़की के पीछे पड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अनारकली हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं, तुम सलीम हो या नहीं ये भी नहीं जानती, पर तुमसे ज्यादा सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं हो सकता बंसी। आई लव यू। सहगल के लिए पोस्ट। किसका है? सहगल के लिए चिट्ठी है, सीके सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल, वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना, कमाल है, बात करता है। वाह सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगा है, तेरा भी वक्त आ गया है, लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है, नेवर। आप लोग जाकर खाना खा लीजिए। क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाटा से, मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूं ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। चल, बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते, तू क्या उनसे बड़ा है? सर, आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए, छोड़ दीजिए। खुद को हीरो समझता है, भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए क्यों मेरी धर्म पत्नी बने? पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे, बता। बदला सर, बदला। बदले की वजह? बाल। बाल? यस यस सर, मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर एक साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर, एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे, मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी, उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी, उन्हें बालों का देवता मानते थे, सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था, मैं उनके सफ़ेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे, और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोज़ा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी, शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए, शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मैं उनकी याद में रोता गया, मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था, और उसके बाद
एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी के फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा ये शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आका वजह पूछा। मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं और शौक डूब गया। मैंने कहा शराबी जुआरी को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले। मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पर सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देके पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वेहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विक ले लूंगा। I'm sorry, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़े से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा 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 ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा? ये कहाँ का न्याय है? बस कर। सर आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। सर आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, हाँ? चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग नो प्रॉब्लम, डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। सर मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया, उनके सम्मान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, और इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। अरे थैंक यू। सिंगापुर चले गए हैं ये सोचकर ये टकला इन्हें भूल जाएगा, और उस रोजा की शादी मैं किसी सेकंड हैंड पागल से करवा दूंगा, और उसके बाद उसकी छोटी बहन से मैं शादी कर लूंगा। आहा। लेकिन क्या ऐसा पागल मुझे मिलेगा जिसके सर पर बाल ही बाल हो? कहाँ मिलेगा ऐसा पागल? मेरा दिल तो ता बन जाए, कसम मिट मिट बोले हाय। देखो देखो ये ना गिरिराज है, इसकी शादी हमारी त्रिशा से होने वाली है। हाय गिरी। हेलो दादी, मेरी दादी, प्यारी दादी, कैसा मेला लगा है, कैसी हो दादी? फाइन फाइन, ये सब जो कन्याएं बैठी हुई है ना अपनी त्रिशा की फ्रेंड्स है। हेलो, आप अचार बेचते हैं क्या? इतनी बेकार किस्मत नहीं है मेरी, अपनी त्रिशा के लिए अचार और खाने के लिए चीजें लेकर आया हूँ। सॉरी गिरिराज, त्रिशा इस हालत में नहीं है कि अचार खाए। क्या हुआ मेरी त्रिशा को? आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। मेरी बॉडी आयरन की है, मैं शॉक नहीं होऊंगा, बोलो। कैसे बताऊं? बोलो, अगर तुझे बताऊंगी तो तू गुस्से के मारे चिल्लाने लगे। अरे जल जाने के लिए, राख हो जाने के लिए, क्या मैं कोई लकड़ी हूँ जो जल करके राख हो जाऊंगा? बोलिए दादी बोलिए। मेरी त्रिशा बंसी नाम के एक स्मार्ट लड़के के साथ। बंसी नाम के स्मार्ट बॉय के साथ? देखा बिना बोले गुस्सा आ गया ना। अरे आप इसे गुस्सा बोल रही हैं? हमारे एरिया में तो इसे खुशी कहते हैं। क्या है ना गिरी जी, तुम्हारी होने वाली बीवी त्रिशा बंसी नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई है। तुम्हारा वजन कितना है बताओ? 50 किलो। हाँ अब मेरा वजन बताओ। वजन नापने के लिए वेट मीटर होते हैं बाबू, इतने करीब आओगे तो दिल आ जाएगा और करीब आओगे तो पेट आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए त्रिशा? कौन है? मैं हूँ जहाँ पना, आपका इकलौता सेनापति। बंशी अगला जन्म पिछला जन्म बोलकर हमारी त्रिशा को बेवकूफ बनाता है तू। मेरी होने वाली बीबी को झूठी झूठी कहानी बताकर फंसा लिया है तुमने इसको। मैं बेवकूफ बनने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ओए मोशाद अली,
अरे इस जन्म में हमको अलग करने के लिए तो पैदा हुआ हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बदमाश। पता है कौन है? गिरिराज है। अरे इस जन्म में तो ये तुम्हारा बावर्ची है, पिछले जन्म में बड़ा धोखेबाज था। धोखेबाज नहीं हूं। क्या यही धोखेबाज था? इसी ने हमारे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में भड़काया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूं। कहा जन्म ले लिया? मैं तो पैदा हो गया जहाँ अपना। छोड़ो मुझे। अरे त्रिशा बोलो, मारे मुझे लेकिन जान से न मारे। भागो ना भाई। अरे ये क्या शकुंतला दीदी, मैं इतना सीरियस बात बोल रहा हूँ और आप हैं कि मेरी बात को मजाक में ले रही हैं। जोक नहीं तो क्या है भैया, सलीम फिर से पैदा हुआ है और हमारी बेटी अनारकली। किसी से कहना मत, पागल तुम्हारा बेटा नहीं तुम हो जो मान रहे मतलब हो। मतलब आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? क्यों तेरी बातों पर यकीन करे? लगता है जीजा जी पेपर के अलावा हमारी बातें भी सुन रहे हैं। और नहीं तो क्या, सलीम पैदा हुआ फिर देवदास भी पैदा होगा। अगर ऐसा होता तो गांव की मौसी मुझे बता देती। मुझे भी आप ही के गांव की मौसी ने बताया। मेरे बेटे ने हकीकत जानने के लिए बुद्धू बनने का नाटक किया है। मेरे बेटे ने उस लड़के को कहा, मैं पिछले जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता था और धुलाई कर डाली और त्रिशा को पिछला जन्म याद आ गई। क्या मेरी बेटी को पिछले जन्म की बात याद आ गई? याद आई या नाटक कर रही है? लेकिन पूरे शहर में दोनों के प्यार के चर्चे हैं। हाँ क्या बात है, माँ बेटा दोनों तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए। शादी के लिए? एक मिनट रुको, लड़का लड़की को मेरी तरफ से ये फल और आशीर्वाद दे देना। अब मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अरे तू कौन होता रहे बीच में बेवजह बोलने वाला? अरे दूल्हा मैं हूँ, लड़का मैं हूँ, समझने की कोशिश कर। क्या क्या तेरी शादी? यस। अरे लड़की कब देखी तुमने, मुहूर्त कब निकाला? जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट शादी के मंडप में जाके बैठूंगा। चुप कर बुद्धू, मुझे बिना बताए शादी करेगा तू? नजर लग जाएगी इसलिए। बेटा बाप की नजर नहीं लगती, वो आशीर्वाद देते हैं। अरे आशीर्वाद देने के लिए कोई अल्लाह है या कोई भगवान है? अरे बेवकूफ, उनको बुलाने की भला मेरे रहते हुए क्या जरूरत है? हम दोनों का खून का रिश्ता है, कम से कम मुझे तो बताते। अरे क्या बताऊं, आप बोले त्रिशा हमारी पत्नी है, बड़े बड़े खौफ दिखा के हाथ में दिया डंडा। अरे माँ इनके भरोसे बैठूंगा तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, ये यही चाहते हैं। सुनो माँ, इनकी बातों पर ध्यान मत दो और शादी में चलो। ये कुछ नहीं सुनने वाला, शादी के लिए पगला गया है। अरे बेवकूफ, शादी का मतलब मालूम है तुम्हें? या शादी मतलब बैंड बाजा, दुल्हा दुल्हन शादी मंडप मिठाइयां, मंगलसूत्र सात फेरे, सात जन्मों का साथ यही होती है शादी। कहाँ से आ गया? चलो मेरे रास्ते में तू किसी और से शादी कर रही है? ये क्या है? वही रुक जा, मंगल सूत्र डाल दिया तो क्या तेरी पत्नी बन गई? मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? छोड़ो मेरा सुना मम्मी, अरे मेरी बेटी को अंधेरे में कहाँ लेके जा रहा है? अरे शादी हो गई तो सुहागरात नहीं होगी क्या? मुझे नहीं जाना, मेरी बेटी क्या तेरे साथ सुहागरात मनाएगी? छोड़ दे इसे, मुझे नहीं। जब मेरी बीबी को मेरे हवाले करते हो या नहीं? करो नहीं करो, देखो उधर पैसा गिरा है। कहाँ पैसा? चलो चलो अंदर चलो, कहाँ पैसे के चक्कर में? अबे कमबख्त, तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने मुझसे कहा, अभी अभी जवानी आई है, बहारों का फूल है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, अरे एकदम फ्रेश माल है, किस्मत खुल जाएगी मेरी, विश्वास करके मैंने मान लिया, तूने धोखा किया। हरी, हरी। आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अरे अब शादी हो गई ना, सुहागरात मना रहे होंगे। अरे बेटा गलत मत करना, अंदर मेरी बीवी है, मोटी सी है, अगर तुमने ये गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। बेटा कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। ए, ए, बेटे की शादी खराब होने पर तू रोने की जगह डांस कर रहा है, कैसा बाप है तू? हाँ मेरे बेटे की शादी तो नहीं हुई। अरे जरा खोल तो।
आप लोग सब खुशकिस्मत है चीची, मेरा मतलब है आप लोग बदकिस्मत है ना? चीची मैं नहीं हूँ। तो फिर यही होगी। चीची मैं भी नहीं हूँ। आप इस तरह से लुक मत दीजिए, उसने मुझे बिल्कुल टच नहीं किया। ये क्या तुम लोग बेवकूफ बना रही हो? वो कपड़े निचोड़ता हुआ हमारे सामने ऐसे ही गया, वो सब क्या ऐसे ही नाटक कर रहा था है? जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा चुप रहो, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे? रूम में कबड्डी खेल रहे थे, नहीं तो क्या खो खो खेल रहे थे? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंकल उसको मैं फिर से लेके आता हूँ और उसको लाके पूछता हूँ इनके साथ उसने क्या क्या किया। क्या बात है, आंखें बड़ी लाल है। बंसी जी ने सोने नहीं दिया क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत आराम से सोई। झूठ मत बोलो, टूटे हुए पलंग को मैंने गोदाम में रख दिया है। इस घर के पलंग कमजोर है। नहीं मर्द स्ट्रॉन्ग है। अरे अपना बंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं दूध देना भूल गई थी। जब दूध देने गई तो अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी, मुझे लगा कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया। बाद में पता चला यही दोनों अंदर थे। क्यों भाई रात भर अंदर सोने नहीं दिया क्या? अरे 45 साल की हो गई है, जवानी के ख्वाब देख रही है क्या? कॉफी लो बहू। कॉफी नहीं माँ, गहने लेकर आओ। हम लोगों ने जो देने का वादा किया है वो दे दे तो अपनी इज्जत रह जाएगी मेरे सास के सामने। ठीक है बेटा, हम लोग दहेज की बात नहीं भूले हैं बेटा। तेरी माँ के साइन के अलावा और सारे पेपर्स तैयार भी है, मेरी बहू को कॉफी तो पीने दे। ये क्या बंसी, तुमने सासू माँ से इस तरह दहेज की बात क्यों कही? सासू माँ को कितना दुख हुआ होगा। अरे दुख हुआ तो क्या, इसका मतलब तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा भूल तो नहीं सकता ना मैं। ये लो बेटा गहने, बाकी पेपर साइन कर कर लाती हूँ। अरे तुम बैठो बैठो। ये देखो हार, चलो आओ जरा इसे पहना दो तो। नहीं नहीं आप भी पहना दीजिए। ये क्या कर रहे हो बंसी? एक तो तुमने मेरी सासू माँ से ये सब मांगा, इतनी तकलीफ दी उनको, अब मुझे गिल्टी फील क्यों करवा रहे हो? तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो गहने देने थे वो गहने दे रहा हूँ बस। इस तरह से मत करो बंसी, मुझे ये गहने नहीं पहनने। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे गहने तुम नहीं पहनोगी तो क्या मैं पहनूंगा? देखा शारदा, मेरी बीवी के सामने सोना भी फीका पड़ा है, आखिर ये इतना बोझा तो उठा ही लेगी है। आपको झेलिया तो गहने का भी बोझ उठा लेगी। तो फिर मुझे इस तरह से तैयार मत करो, मुझे गहने नहीं चाहिए। देखो डार्लिंग, ये आखिरी गहना भी तुम्हें पहनना है। आपने मुझे कभी ऐसे तैयार नहीं किया। शारदा एक बात तो बताओ, गहनों की वजह से मेरी बीवी खूबसूरत दिख रही है या मेरी बीवी की वजह से गहने खूबसूरत दिख रहे हैं? बेटा ये लो जायदाद के पेपर। थैंक्स थैंक्स माँ। ये लो ले लो भाई, चलो जो दहेज जाना है वो तो आ चुका है, जाकर अपनी माँ को अच्छी तरह से दिखा दो। जायदाद के पेपर, गहने, सब कुछ आ चुके। और आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो जाओ और अपनी लखपति करोड़पति जमींदार शकुंतला देवी को यहां पर आने के लिए कहो और बोलो मुझसे बात करें। आखिर बात क्या है? बोल बेटी। गहने क्यों पहने हैं? बोल बेटी आखिर हुआ क्या? मम्मी मुझे उस घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। गुड मॉर्निंग। ओहो हमारे कहने के मुताबिक सारे जायदाद हमारे नाम ट्रांसफर हो गए। हाँ हाँ जायदाद तो कर दिया, साथ में बेटी को भी ट्रांसफर करके वापस भेज दिया। चुप हो जा। मुझे पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही होगा।
अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर जबान खोल देता तो मुझे उल्टे जूते ना पड़ते। अरे मैं कहना तो बहुत चाहता था पर कहा नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, इसका पति लाखों में एक है। मेरे पति ने ही मुझे निकाल दिया। क्या, तेरे पति ने? ये सच है मम्मी, उन्होंने मुझे निकाला और कहा कि आज से मैं तुम्हारा पति नहीं और नहीं आज से तुम मेरी पत्नी हो। और अगर इस क्यों का जवाब चाहिए तो अपनी मम्मी को हमारे यहाँ पर भेज देना। दामाद जी, मेरी बेटी को घर से क्यों निकाला? ये किस तरह का न्याय है मेरी बेटी के साथ? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं उसकी माँ हूँ। अरे इसकी माँ के साथ इसका मामा भी यहाँ आया हुआ है। बोल, चुप क्यों बैठा है? त्रिशा, तू तेरे माँ का गुलाम पति और माँ का चमचाने के बाद भी मैं कैसे नहीं बोलूंगा? सासू जी, स्वीट कितना भी मीठा क्यों ना हो, ज्यादा नहीं खाते। 3 दिन में ही मैं तेरी बेटी से बोर हो गया। दामाद जी, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, इसमें होशियारी की क्या बात है मामा जी? वेरी क्लियर, आपकी बीवी ने 10-15 जिलों में उल्टा दहेज देकर अपना नाम करना चाहा और इतना पैसा देकर मैं बड़े घर की बेटी को अपने साथ सुलाना चाहता था। इसलिए अपनी सारी जायदाद देकर मैं तुम्हारी बेटी के साथ सोया। बंसी, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ? मैं कोई वेश्या हूँ? देखो त्रिशा, तुम्हारे और हमारे बीच कोई बात नहीं है। जो भी बात है तुम्हारी माँ और मेरे बीच में है। बोलना तो नहीं चाहता ससुर जी, पर आपकी बेटी के होठों पे, गालों पे जो मुस्कुराहट आती है, उसके शर्म के आगे मुझे कहने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा हूँ मैं ससुर जी? एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बेटी जब मेरे साथ हमबिस्तर हो चुकी, क्या होशियार रहती है, क्या होशियार बनती है। क्या बात है, क्या बेटी को पैदा किया है आपने, क्या बेटी को पैदा किया है, क्या फिगर है, क्या नेचर है, क्या रंग है, सब कुछ आपकी तरह। अब समझ में आया? ससुर जी आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे। अरे ये क्या कर रही है ससुर जी? पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि कोर्ट की बात कर रही हो 3-3 बार। अरे पूरी बात तो कर ले। मेरी बेटी को रुलाया, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे छुप बैठूंगा मैं? इतने सारे गहनों के साथ साथ 20 एकड़ जमीन भी लिए तुमने, उल्टा दहेज लेने का रिवाज कायम किया है तुमने। मेरी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। रहने दो दीदी, इससे बात और कोई फायदा नहीं। ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान है। इससे बहस करना बेकार है, चलो यहाँ से। ए, अपनी बहन के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए मुझे मालूम है। अब तेरी फैमिली को कैसे बर्बाद करता हूँ, बस तू देखते जाना। चलो यहाँ से, चलो। उसे इस तरह अपमानित करके घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अगर तुम्हें दहेज देना पसंद नहीं था तो उससे तुम शादी ही नहीं करते। अरे ये सब क्या किया तुमने बंसी? सारी की सारी जायदाद उसके नाम करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ वो भी 3 रातों के लिए? अरे मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुमको पागलपन का भूत सवार हो गया क्या? हाँ बंसी जी, आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं ना? बताओ 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 बताओ। ये चकले, साफ साफ बता, तूने इन तीनों के साथ रूम में क्या किया? तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा मैं टेंशन से मर जाऊंगा। किया जरूर किया, पर अंधेरे में किसके साथ क्या किया बताना थोड़ा मुश्किल है। ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? परीक्षा। परीक्षा? अरे इनकी परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, अब वो किताबें कहाँ मिलेगी? अरे ससुर जी, मैं किताबों की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की कर रहा हूँ। कौन सी परीक्षा? यस, बोतल में पानी और गुलाब का फूल लेकर आ, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ओके, ओनली 5 मिनट। भाई तुझे जो करना है वो कर, जो परीक्षा लेनी है वो ले, पर ये बता वो कैंडिडेट कौन है? ठीक है, ये कुंवारी है। ये मुझे पता था, आ जाओ मेरे पास। ये भी कुंवारी है। डाउट इसका है, ये भी कुंवारी है।
देखा मैं पतिव्रता हूँ। क्या पतिव्रता है ये? अगर ये कुंवारी है तो ये दोनों कहाँ से पैदा हुई हैं? ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ भला? टकले, इस तरह की परीक्षा रखकर हम लोगों को बेवजह मत मार। अरे मेरे बाप, मुझे बता दे कि उस दिन तूने किसके साथ क्या क्या किया था, वरना तेरे पैर पे सर मोड़ मोड़ के मैं मर जाऊंगा। देखो, मेरी पत्नी को साथ भेजोगे तब बताऊंगा। मैं टकले के साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे रोजा बेटी, कितने महान लोग तो टकले होते हैं, और कितने व्यक्ति तो महान बनने के लिए टकले होते हैं और अपना सर मुंडवा लेते हैं। आज का क्रिकेट प्लेयर धोनी भी लंबे बालों वाला है। मकरंद देशपांडे का कर्ली हेयर है। बड़े लोगों के लंबे बाल होते हैं। मैं टकले से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी। आप ऐसे इसलिए कह रहे क्योंकि आपके पति यानी कि मेरे डैडी टकले नहीं है। सोचो, ग्रुप फोटो जब खींची जाएगी तो ये कितने बेकार लगेंगे, सबसे अलग लगेंगे। आई एम सॉरी। ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीना इंतजार कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा मैंने किसके साथ क्या किया है। ये लीजिए, पकड़िए लोटा। कोर्ट शब्द जो है ना, ये आपके दामाद को मजाक लगता है। डेली पेपर पढ़ने बोलिए, पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ना जाने कितने IPS IAS जेल के अंदर है, पता है उसे? ये कोर्ट का पिटीशन है, आपका दामाद लाइफ लॉन्ग सर उठा के नहीं चल पाएगा। थैंक यू। ए पार्वती, कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको यहाँ। दामाद जी, मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं, बालों के फूल नहीं गिरे, और आपने इसे घर से निकाल दिया। क्या यही धर्म है आपका? शादी करके घर में कदम रखी नहीं और आपने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, ये कैसा न्याय है दामाद जी? पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अनारकली थी, मेरे सेंटीमेंट से मत खेलो बंसी। ये कहकर पांव पकड़ने नहीं आई हूँ मिस्टर बंसी। तुमने मेरे साथ किस तरह बर्ताव किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये लो मेरा जवाब। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, ये कहने के लिए आज मैं कोर्ट गई। रोज सिगरेट से मुझे जलाता रहता है, शराब पीकर मुझे रात को मारता रहता है। ऐसा कुछ भी इल्जाम मैंने कोर्ट में नहीं दिया, बस ये इल्जाम लगाया है मैंने कि मेरा पति मर्द नहीं नामर्द है। यस, मैंने कहा कि तुम मर्द नहीं हो। 3 रातों तक मैं इसके करीब बैठी रही पर इसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे नामर्द पति का साथ देकर एक पत्नी अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है? और तो और, मैंने लाश शर्म छोड़कर इन्हें रिझाने की पूरी कोशिश की पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैंने कोर्ट में कहा। लाइट बंद करने के बाद चुपचाप एक बच्चे की तरह सिर्फ गुड नाइट बोलकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसा पति हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोर्ट पहुंच गई। उस सर्टिफिकेट के बूते पर मैंने ये साबित कर दिया कि मेरा और मेरे पति के बीच में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट को झुठला नहीं सकते। डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेकर मैंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, बल्कि तुम एक नपुंसक हो। जब लोगों को ये पता ही चल गया कि तुम नामर्द हो, तो मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहने रहने का क्या फायदा है? कहानी में इस तरह की ट्विस्ट आएगी, तुमने सोचा नहीं था ना? इस तरह से उल्टा जवाब देना हमारे खानदान की स्पेशलिटी है। अब बाहर जाकर तुम जितना भी कहो कि तुम में मर्द होने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारे इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम मर्द हो इस बात को सिर्फ मैं साबित कर सकती हूँ। अगर साबित करवाना है तो मेरे घर आकर मेरे और मेरी मम्मी के पाँव पकड़कर अपने गाल पे थप्पड़ मार के माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे मर्दानगी और तुम्हारे पति के पोस्ट के बारे में सोचूंगी। चलो मम्मी। चलते हैं दामाद जी। चलते हैं दामाद जी। बड़े भैया नमस्कार। वाह वाह, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, भैया ये जरूर हमें पागल बनाकर छोड़ेगा। अरे ये क्या, कहाँ तो तुम्हें बड़े प्यार से उसका घर बसाना चाहिए था, उल्टा तुम तो उसका घर तोड़कर वापस चली आई। तो क्या करूँ, 3 दिन तक मेरी बेटी का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया तो क्या पैर पकड़ू उसके? तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी बात तो मानो। मेरी बेइज्जती की परवाह होती तो जिसने मुझे चीप कहकर बुलाया उससे जाकर चप्पल से मारते, उससे पूछते कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। आप में अगर हिम्मत नहीं है तो मुझ में है। उसके पूरे खानदान को रास्ते पर लाकर रहूंगी मैं। उसका पूरा खानदान ब्रोकर है, वो लोग ब्रोकर कंपनी चलाते हैं, ऐसा कहकर उनको समाज में बदनाम करके रख दूंगी। अरे त्रिशा बेटी, त्रिशा, त्रिशा भैया डॉक्टर को बुलाओ। बच्ची पर हाथ उठाते हो,
उसे ये कहने के बजाय कि बेटी तेरे साथ नाइंसाफी हुई, उसी के ऊपर हाथ उठाया। घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए मैंने दवाई लिख दी है और 2 महीने का रेस्ट लेना होगा। अरे इतनी छोटी सी मार के लिए 2 महीने का रेस्ट क्यों? मार लगी इसलिए रेस्ट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। अरे ओ टकले सुना, ये लो लड्डू। अरे बहुत ही खुशखबरी है, ये प्रेग्नेंट हुई है। सुना है तुम नानी बनने वाली हो, ये लो मिठाई खिलाने आया हूँ। मैंने तो तुम्हें छुआ नहीं, मैं तो नामर्द हूँ ना। नामर्द हो? अरे बेगर खुदाई के पानी नहीं आता है। अरे कुआं खोदोगे तो पानी तो आएगा ही ना, कहीं कहीं पत्थर भी तो आएंगे। बोलो सुहागरात याद है ना, श्रृंगार करके बगल में बैठी, इसके बावजूद मैंने इसे छुआ तक नहीं, फिर उसके बाद पल्लू गिराकर मुझे रिझाया, फिर भी मैंने नजरें नहीं मिलाई, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, फिर लाइट बंद करके मैं तो सो गया, फिर ये पेट कैसे आया? ठीक है, तुम्हारी माँ से पूछते हैं। क्या रे उसकी अम्मा, एक बात तो बताओ, बिना मर्द के पेट कैसे आ सकता है, बता सकती है? या जो स्वामी वर देता है उसके पास ले जाकर कोई करिश्मा दिखा दिया आपने, या तुम्हारी फैमिली की औरतें कोई ऐसी चीज है जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है? सुनो, अरे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब इस पेट से मेरा कोई संबंध नहीं है और इस हिसाब से मेरा कोई संबंध नहीं है। चलो रे। क्या क्या पापा, सब कुछ करने के बाद उसने ही सब कुछ कर डाला, इतना बोलने के बाद चुपचाप आंखें फाड़ कर देख के रहे हो? तुम्हारा बाप ये सोच रहा है कि हमारी फैमिली की बर्बादी के लिए कौन सा नया प्लानिंग किया जाए, क्यों? सोचो, पापा सोचो सोचो। अरे तू अपना मुंह बंद कर। मतलब उस रात को, अरे वो नाइट। चीची, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो, ये सब तुम्हारे ही साइड से हुआ है। मेरी साइड से हुआ है या उस टकले की साइड से हुआ, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं मैं? अरे अरे, ये सब कुछ उस टकले की वजह से हो रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे टकलू, ए ऐसे क्यों गाय की तरह चिल्ला रही हो, इधर ही तो हूँ मैं। अरे मेरी बहन की जिंदगी में आग लगा कर आराम से बैठा है तू। आदमी नहीं है, राक्षस है, तू चोर है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू धोखेबाज है। क्या कहा तुमने? तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने उसे टेस्ट तक नहीं किया है। और जिस माँ के बारे में तुम ऐसा कह रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी माँ के भी समान है। जिस परिवार ने मुझे टकला समझकर मेरी इतनी बेइज्जती की, वही परिवार मुझे इज्जत से अपनाए, इसीलिए मैंने कसम खाई थी, उसके लिए मैंने नाटक किया, जो कुछ हुआ वो सच नहीं था। प्यार से ज्यादा तुमने बाल को महत्व दिया रोजा। उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था दीदी, जिया जी ने नाटक करने के लिए कहा था। दीदी, जीजा जी और हमने मिलकर ये नाटक किया था, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए। अरे टकले लोग कोई काम के नहीं होते, ये मेरी गलत फहमी थी, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry दामाद जी। इंसान को दिमाग होना चाहिए, बाल होना जरूरी नहीं। Hats off. Thank you. जिसके सर पे बाल नहीं होते वो भी बड़े दिल वाले होते हैं, जो लोग टकले होते हैं वो भी सच्चे इंसान होते हैं। इस बात का मुझे आज एहसास हुआ कि आप बड़े दिल वाले हैं। जरा अपने सर तो नीचे झुकाइए। शकुंतला भाभी ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, क्या बात है? अरे बंसी और शारदा की सगाई तय हो गई, अगले सोमवार को शादी है। अरे मेरी पूछे बिना इस घर में क्यों आई हो? क्या हो गया? अरे इस घर के लिए बुलावा नहीं है। ऐसा क्या? हाँ चलो दूसरे घर में बुलावा करने चलते। शकुंतला आपको वहाँ बुलावा नहीं है। मुझे इस बात का पता नहीं था, वरना मैं यहाँ नहीं आती। हाँ हाँ, हाँ चलो, चलो, चलो चलो। बेटी तू बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर बात सगाई तक पहुँच गई तो बात आगे बढ़ गई होगी, और ऊपर से एक ही घर में रहते हैं। इधर बैठे बैठे तुम्हारा सपना देखने से बेटी उधर सगाई नहीं रुक जाएगी। कभी पति की हैसियत से तुमने इज्जत नहीं की मेरी शकुंतला, पर इंसानियत के नाते मेरी बात तो सुनो, तुमने उल्टा दहेज मांगा इसलिए उन लोगों ने ऐसा सुलूक किया।
सब लोग ठीक है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? सब तुम्हारा सामान है। अरे सब कुछ उतार कर नीचे रखो रे। हम लोग बेटी को घर छोड़ने के लिए आए हैं बहन। हमारे दामाद जी से हमने उल्टा दहेज मांगा, इसीलिए नाराज हैं वो हमसे। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चल चल। ठहरो 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 ठहरो। मैंने तुम्हें जो दहेज दिया वो तो वापस मांगा ही नहीं। हमने आपसे उल्टा दहेज मांगा, गलती हो गई। अरे वो बॉक्स दो जी। दामाद जी ये लीजिए। ये लो। तुम अपनी बेटी को मेरे पास क्यों भेज रहे हो, जान सकता हूँ? घर बसाने के लिए, और किस लिए? पर ये मेरे साथ घर संसार कैसे बसाएगा? तुम लोगों ने तो कोर्ट में केस की ना कि मैं नामर्द हूँ। बेटा हम कोर्ट गए, वो हमारी गलती थी, हम केस वापस ले लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अंदर जाओ। जाओ बेटी। ठहरो। फिर से क्यों रोका बेटा? तुम्हारी बेटी ने डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया कि वो कुंवारी है। झूठा सर्टिफिकेट लाकर मैंने वाकई में गलती की है। इसका मतलब कि वो चरित्रहीन है। कैसी बातें करते हो, सीता सती सावित्री उससे भी बड़ी है मेरी बेटी। ये कैसे हो सकता है, जब यहाँ से गई तो एकदम सही सलामत थी और वापस आई तो प्रेग्नेंट। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे साथ 3 रातें गुजारी है उसने तभी हुई। 3 रातें गुजारने से क्या 3 महीने का पेट आ जाता है? पेट तो 3 महीने 3 रातें क्या 3 मिनट में आ सकता है? क्या कह रही हैं आप है? पर ये 3 मिनट में कैसे आ सकता है? अरे बेटा तू दामाद है इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। औरत को प्रेग्नेंट होने के लिए 3 रातें नहीं, 3 घंटे नहीं, 3 मिनट भी नहीं, अरे 3 सेकंड भी काफी होते हैं। अगर यही सच है तो तुमने यही बात मेरी बहन के लिए क्यों नहीं मानी ये बताओ। क्यों नहीं माना? मेरी बहन ने 3 घंटे नहीं, 3 मिनट नहीं, 3 महीने तेरे बेटे के साथ गुजारे, फिर भी तूने ये कैसे कह दिया कि वो बच्चा तेरे बेटे का नहीं है? जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे दामाद के जरिए 3 रातों में प्रेग्नेंट हो सकती है तो मेरी बहन तुम्हारे बेटे के जरिए 3 महीनों में प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकती? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा बेटा नामर्द है या फिर तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है। क्या सच है? दोनों सच नहीं है, तुम भी जानती हो। तुमने अपने पति के साथ रहकर इसे जन्म दिया, ये जितना सच है उसी तरह मेरी बहन ने तुम्हारे बेटे के साथ रहकर शारदा को जन्म दिया, ये भी सच है। एक सच को झूठ में बदल के तुमने मेरे घर पर ग्रहण लगा दिया। मेरी बहन के घर दूध वाले को भेजकर अपने बेटे को दिखाकर उसे विश्वास दिला दिया तुमने। आधी रात को मेरी बहन को घर से निकाल कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया तुमने। मेरी बहन ने मरते समय अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं निर्दोष हूं, यह मैं कैसे भूल सकता हूं? एक औरत होकर तूने एक बांझ की तरह काम किया है, यह बातों से समझने वाली नहीं थी और इसीलिए अमेरिका से आते ही मैंने अपना खेल शुरू कर दिया और इसी में आगे अकबर का बेटा सलीम बनकर मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने का काम शुरू कर दिया। तुझसे बदला लेने के लिए उल्टा दहेज देने के लिए भी मैं राजी हो गया। उसी तरह तेरी बेटी के साथ 3 रातें गुजार कर तेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके तेरे पास भेज दिया ताकि तुझे यहाँ आकर अपने कदमों पर झुका सकूं। और यही देखने के लिए अब तक सारी रात मैं सोया नहीं हूं, तड़प तड़प कर जिया हूं। इस पल को देखने के लिए मैं अपने घर वालों की नजरों में गिर गया। उस वक्त हर दिन तुम्हारा था पर मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं जीतूंगा जरूर। 14 साल तक मेरी बेटी की बहन ने वनवास काटा है, उसकी कसम मुझे उसके माँ की कसम है, ये तो तय है। एक एक आंसू का गिन गिन कर बदला लूंगा मैं। मेरी बहन की बेटी जिस तरह से बाहर घूमने के लिए तरसी है उसी तरह से मैं तुम्हें भी तरसाऊंगा, उतनी बेइज्जती तुम्हें भी दिलाऊंगा, तुम्हारी ऐसी दुर्गति करूंगा तुम देखते रहना। मेरी माँ जितनी तड़पी है उससे ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगा तुम देखते रहना। और हाँ तुम्हारी बेटी को भी अपमान सहना पड़ेगा। और अब मैं ये साबित करूंगा कि किसी दूध वाले के या किसी मालिक के तुम्हारी बेटी से नाजायज संबंध है। तुम्हारी फैमिली एक बाजारू फैमिली है, तुम्हें सर उठाकर जीने नहीं दूंगा, जीते जी तुम्हें मार डालूंगा। जाओ यहां से, जाओ, जाकर जो करना है कर लो। गेट आउट, गेट आउट। मैंने शारदा से सिर्फ इसलिए शादी नहीं की माँ, क्योंकि अगर मैं शारदा से शादी कर लेता तो जो दाग घर पर लगा है वो कभी नहीं धुलता माँ। बेटा
सोच नहीं पाई, तुझे समझ नहीं पाई मैं। तू छोटा है पर तेरी सोच बड़ी है, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। माँ, माँ, माँ। अच्छा बेटा, जब तूने तीन पलंग तोड़े, तीन रातें गुजारी, तभी मैं समझ गया था कि मेरा ये भांजा कुछ न कुछ जरूर करेगा। शाबाश बेटा, शाबाश, हाथ मिला। बंसी जी, ठहरो। बंसी ने जो कहा वो सच है ना? तुमसे पूछ रहा हूँ, उसने जो कहा वो सच है? आपके सामने वो इतनी सारी बातें कह गया और आप चुपचाप सुनती रह गई? मतलब बंसी ने जो कुछ भी कहा वो सच है? इसका मतलब पद्मावती को तुमने ही मरवाया था ना? हाँ, तो क्या कर लोगे? तुमने मुझे मारा? अब मरूंगा ही नहीं, जान से मर जाऊंगा। आज तक तो मुझे धमकी देती रही कि मर जाऊंगी, इसलिए चुप रहा। आज तुझे सच में मरना होगा। आज तेरा सारा खेल खत्म करूंगा मैं, तुझे जान से मार डालूंगा। रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनों से अलग हो गया। कितनी बार तुमने मेरा अपमान किया, सारे गांव वाले कहते रहते हैं कि भास्कर चोरू का गुलाम है। मैं सोचता रहा कि तुम जमींदार की बेटी हो इसलिए अहंकारी हो, पर मनुष्य नहीं राक्षसनी हो ये मैं कभी नहीं सोचा था। इतने दिनों तक मैं एक धैन के साथ जिंदगी गुजारता रहा, अब एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जहाँ इंसान रहते हैं वहां जाऊंगा, इंसानों के बीच में जाकर रहूंगा। आपकी वजह से मैंने अपने पति, घर, गृहस्थी सब कुछ खो दिया। माँ चलती हूँ मम्मी। रुक जाओ बेटी, मैंने जो किया वो महाबाप था। दामाद जी के पांव पकड़कर मैं माफी मांगूंगी, वो मुझे जो भी सजा देंगे मुझे सब मंजूर है। मैं कहूंगी मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे मत छोड़ो बेटा, मत छोड़ो। अब शादी होगी। बैंग बैंग बजाओ बैंड बैंड। मैं एक खुशखबरी लाया हूँ दीदी, उस बंसी का और हमारी त्रिशा का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कह के कोर्ट से तलाक का पेपर लाया हूँ मैं। अभी मेरे बेटे की और आपकी बेटी की पी 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 पी। तुम जैसे गिरे हुए इंसान की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को मार दिया, मैंने अपने बेटे तक को खो दिया। अब बेटी को मार कर मैं क्या हासिल कर लूंगी भला? उनके पांव पर गिरकर अपनी बेटी का घर संसार बसा दूंगी। अरे रे 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 रे। कहानी में इतना ट्विस्ट आ गया, वो भी इसकी प्रेगनेंसी की वजह से। ओके, अब जब टेंशन ही बच्चे की है तो हॉस्पिटल में जाके बच्चे को ही गिरा देते हैं। बेटा गिरी, शादी करनी है तो त्रिशा को यहाँ से जल्दी लेकर चल। पिताजी, मेरे पाँव कैसे रुक गया, समझ में नहीं आया। अरे तू मेरा बेटा है कि क्या? जल्दी यहाँ से चल। चल नरसिम्हा, जरा अच्छी तरह से दवाई को बनाना समझे, एक बूंद पीते ही बच्चा ऊपर। अरे पागल पिताजी, 5 मिनट तो रस निकालने में चले जाएंगे, 5 मिनट जो है आपके इस फालतू डायलॉग में चले जाएंगे, और इस 5 मिनट के अंतर के इंटरकट में वो बंसी आकर हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। भैया क्या वंशी बाबू हैं? अरे वही बखत यहाँ कहाँ होंगे, वो तो शादी के मंडप में होंगे ना। शादी के मंडप में? हाँ, आज मंदिर में शारदा से शादी कर रहे हैं। बेटा 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 बेटा, मैंने जो पाप किया उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। नरसिम्हा अपने बेटे के साथ उसकी शादी करना चाहता है, उसे बचा लो। पंडित जी,
आप मंत्र पढ़िए। बेटा बंसी, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। पत्नी होने का कौन सा धर्म निभाया है? वो सारी मेरी गलती थी। मैंने अपने अहंकार से अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। उसी अहंकार से तुम लोगों को बदनाम किया मैंने। और ये बात मैं अभी गांव वालों को बताती हूँ। भाइयों, बहनों, सब लोग सुनो, मैंने अपनी बहू के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। मैंने ही अपनी बहू को रास्ते से हटाने के लिए नौकर को उसके रूम में भेजकर नाजायज संबंधों का झूठा ड्रामा किया। उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मेरे ही भाई ने उसे फांसी पर लटकाया था। मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे फांसी पर भी चढ़ा दो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरी बेटी को बचा लो। पिताजी, पहले इसको डालता हूँ, फिर बाद में आप चाहो तो एबॉर्शन करवा लेना। चुप क्यों कुछ कहीं के? अरे क्या औलाद पैदा किया मैंने? दादा मुझे बना रहा है तू, और बच्चा बंसी का है? अरे जब मुझे शर्म नहीं तो आपको किस बात की? घर जाने दो, हम एक काम करते हैं। यह बच्चा बोनस में आया है यह मान लेते हैं, लोगों को सब मालूम है। ये बिल्टअप जो कुछ हो रहा है बंसी के इंतजार के लिए हो रहा था। अरे पिताजी, मैंने बोला था ना कि मेरी बात को सुन लो। मेरी तो एक आंखी चली गई है। क्या हो गया? मेरी बात मुझे ही सुनाई नहीं दे रही है। ए, इसके बच्चे को भी मार डाल और उस बंसी को भी मार डाल, ले जा इसको। Ugh.
मत मारो मुझे पार्वती बहन बचा लो मुझे बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, अगर मुझे मार डालोगे तो कोर्ट में जाकर गवाही कौन देगा बेटा, बोलो कौन देगा गवाही बोलो। मैंने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी पोती शारदा कहाँ है? अरे तुम्हारे आने से पहले इसकी शादी हो गई। दादाजी सुखी रहो। दादी जी बेटी आज से तू मेरी पोती नहीं बल्कि मेरी बेटी है।